नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से पहले हमें पढ़ना होगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज एनीथिंग दैट कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हर वो चीज़ जिसको आप मेजर कर सकें नाप सकें उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर फिजिक्स में आपकी बुक में लिखी भी है अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ फेनोमेना ऑफ बॉडी और सब्सटेंस दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। यानी आप इसको मेजर कर सकते हैं, हर वो चीज़ जिसे आप मेजर कर सकें उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव। नंबर वन विच इज़ कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड नंबर टू विच इज़ कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी कहलाती हैं। वो क्वांटिटीज जिन्हें साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हो वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, जो अपनी पहचान आप होती हैं, जिन्हें अपनी पहचान के लिए या जिन्हें अपने आप को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत ना हो। सबसे आसान बात यह है कि जिन्हें साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हो वो बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कि इन्हें अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती। सबसे आसान बात क्या है, अपनी पहचान आप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ है, लेंथ को अपने आप को डिफाइन करने के लिए मज़ीद किसी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। टाइम है, टाइम इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ एक्सप्लेन्ड बाय इटसेल्फ। उसको अपने आप को पहचान करवाने के लिए मज़ीद किसी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। इनसे मिलकर दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज ज़रूर बनती हैं, लेकिन ये किसी की मोहताज नहीं है, वो कहलाती हैं फंडामेंटल या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उसके SI यूनिट का एक चार्ट दिया हुआ है। क्वांटिटी क्या है, लेंथ। लेंथ का SI यूनिट कहलाता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, और इसका सिंबल क्या है, M। मास भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट क्या है, किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या है, kg। फिर हमारे पास टाइम है, टाइम का SI यूनिट है सेकेंड, और उसका सिंबल क्या है, S। इलेक्ट्रिक करंट, उसका है SI यूनिट एम्पियर, और इसका सिंबल A। टेम्परेचर केल्विन होता है और K इसका सिंबल होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल कहते हैं और MOL इसका सिंबल होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला SI यूनिट होता है और उसको हम CD उसका सिंबल है। स्टूडेंट्स इसी के बाद जो है नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाकर हम जो यानी इस फिजिकल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से ही निकलती हैं और दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं तो उसको हम कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिक बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। मीन्स ये हमारे बेसिक के अंदर से ही निकलती हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आप देखें पूरा चार्ट दिया हुआ है ड्राइव का। वॉल्यूम का होता है SI यूनिट क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। यानी ये तीन लेंथ से मिलकर वॉल्यूम बनता है। मीटर क्यूब इसका यूनिट है और सिंबल है। मीटर क्यूब इसका जो है वो SI यूनिट है और सिंबल इसका M³ है, राइट। यानी तीन लेंथ आप मिलाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को तीन लेंथ मिलाएंगे तो आपका आपके पास क्या बनेगा, वॉल्यूम। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, यानी एक आप लेंथ लेंगे और दूसरा टाइम लेंगे। न्यूमरेटर में आप लेंथ लेंगे, डिनोमिनेटर में आप टाइम लेंगे। यानी दो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज मिल गई, अब उससे कौन सी बन गई हमारे पास, वेलोसिटी बन गई, राइट। इसका सिंबल होता है M/S, मीटर पर सेकेंड इसको हम कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स।
फोर्स न्यूटन, डेंसिटी, डेंसिटी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका एसआई यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर यानी केजी पर मीटर क्यूब। और ये आप देख लीजिए कि किलोग्राम जो है वो मास का है, मास और लेंथ मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब यानी आप उसके अंदर क्या रखेंगे, वॉल्यूम रखेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। और उसका एसआई यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, और सिंबल हम उसके लिखते हैं केजी अपॉन मीटर क्यूब लिखते हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आप न्यूमरेटर में रखते हैं मीटर और डिनोमिनेटर में रखते हैं सेकेंड स्क्वायर। ये सारे टॉपिक्स आप आगे जाकर इंशाल्लाह कवर करेंगे। कहने का मकसद ये है कि वो क्वांटिटीज़ जो अपनी पहचान आप होती हैं वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, और जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ये दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, और मैंने आपको शुरू में बताया कि एनी थिंग दैट कैन बी मेजर इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इन तमाम चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो यूनिट्स लिखे हुए हैं, यूनिट्स क्या चीज़ होते हैं, अगर आपके पास कुछ कोई क्वांटिटी लिखी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 लिखा हुआ है, राइट, आप इस 15 से नहीं पहचान सकते कि ये 15 क्या है, आया कि ये लेंथ है, ये मास है, ये टाइम है, आप नहीं पहचान सकते जब तक कि इसके आगे यूनिट नहीं लिखा होगा। अगर मैं इसके आगे इस 15 के आगे लिख दूँ मीटर, तो आप समझ जाएंगे कि ये किस चीज़ की क्वांटिटी दी हुई है, ये लेंथ की क्वांटिटी दी हुई है, राइट। अगर मैं इसके आगे लिख दूँ अगर मैं इसके आगे लिख दूँ किलोग्राम, तो आप इस यूनिट से समझ जाएंगे कि ये किसका किसकी क्वांटिटी दी हुई है, किसकी मेजरमेंट दी हुई है आपको, ये मास की मेजरमेंट दी हुई है। तो यूनिट्स जो होते हैं वो क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले अगर हम देखें यूनिट्स, यूनिट्स के बारे में अगर हम पढ़ें, तो सिस्टम ऑफ यूनिट कौन कौन से हैं, CGS, FPS, MKS, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी कि इसमें तीन फिजिकल क्वांटिटीज यूज़ होती थी, कौन कौन सी, सेंटीमीटर किसकी है, लेंथ की है, मास की है और टाइम की है। FPS फुट पाउंड सेकेंड, इस तरह इसमें भी कौन सी यूज़ होती थी, लेंथ, मास और टाइम। MKS में हम कौन सी यूज़ करते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, यानी इसमें भी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज यूज़ होती हैं, लेंथ, मास और सेकेंड। लेकिन CGS में हम, जैसे कि लेंथ में हमारे पास काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो हम उसमें कौन सा यूनिट यूज़ करते थे, सेंटीमीटर यूज़ करते थे। इसी तरीके से मास में हम ग्राम यूज़ करते थे, और टाइम में हम सेकेंड यूज़ करते थे। FPS सिस्टम में हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, फुट, पाउंड और सेकेंड, ये क्वांटिटीज़ वही है, लेंथ, मास और टाइम ही है। लेकिन CGS में हम कौन से यूनिट यूज़ कर रहे हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS में हम कौन से यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, फुट, पाउंड, सेकेंड। और MKS में हम कौन से यूनिट यूज़ करते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ये जो MKS सिस्टम है, ये अब इसका न्यू वर्जन है SI यूनिट सिस्टम, राइट स्टूडेंट्स। इसी को हम ने अपग्रेड कर दिया है, सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से यूज़ होता है ये MKS जो है वो SI यूनिट सिस्टम, अब पूरी दुनिया में यही यूज़ होता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी MKS सिस्टम की, मींस कि इसमें हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाते थे, लाइक ट्रेड पॉसिबल नहीं थी इसमें, इसमें साइंटिफिक रिसर्च पॉसिबल नहीं थी, जब हमने इसमें सिर्फ तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूज़ होती थी। अब जो ये सिस्टम इंटरनेशनल को जो हमने अपग्रेड किया है, इसमें हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन फिजिकल क्वांटिटीज़ हम इसमें यूज़ करते हैं। और अब इसके अंदर ट्रेड पॉसिबल है, अब इसके अंदर रिसर्च पॉसिबल है। तमाम पूरी दुनिया में जो सिस्टम यूनिट यूज़ होता है वो कौन सा होता है, सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट सिस्टम, इसीलिए इसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। ये अपग्रेड हो गया है, पहले इसमें सिर्फ तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती थी, और अब इसमें कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, सेवन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। सो स्टूडेंट्स, किसी भी क्वांटिटी को पहचानने के लिए हम यूनिट लगाते हैं, यूनिट ज़रूरी है, यूनिट के बगैर हम बता ही नहीं सकते कि ये क्वांटिटी किसकी लिखी हुई है, राइट। तो तीन तरह के यूनिट्स होते हैं, CGS, FPS, MKS, और जो इंटरनेशनली यूज़ होता है, MKS अब अपग्रेड हो गया है सिस्टम इंटरनेशनल में। अब जब इंटरनेशनली जो यूज़ होता है, जिसमें ट्रेड पॉसिबल है, जिसमें आपका
साइंटिफिक रिसर्च भी पॉसिबल है, वो यूनिट कौन सा कहलाता है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहलाता है। अब जब स्टूडेंट्स हम इन्हें मेजर कर सकते हैं तो यकीनन इनको किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी डिवाइस के थ्रू मेजर किया जा सकेगा। तो आगे हम जो है वो पढ़ेंगे डिवाइसेस, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। कुछ डिवाइसेस हमें यहाँ पर दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है मीटर रूल। मीटर रूलर या मीटर रूल आप क्या किसे कहते हैं? स्केल को कहते हैं। और स्केल के थ्रू आप क्या मेजर करते हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं? लेंथ की मेजर क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करते हैं, राइट? अच्छा, हर डिवाइस का, हर मेजरिंग डिवाइस का एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट क्या कहलाता है? उस डिवाइस की सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, यानी आप इस स्केल से सबसे मिनिमम कौन सी मेजरमेंट कर सकेंगे वो इसका लीस्ट काउंट कहलाएगा, राइट स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट क्या कहलाता है? किसी भी डिवाइस की मिनिमम वैल्यू जो हम निकाल सकते हैं उसको हम उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। और मीटर रूल में आप देखें यहाँ पर आप सबसे छोटी कौन सी वैल्यू उसकी मेजर कर सकते हैं? 1 mm, यानी 1 millimeter, राइट स्टूडेंट्स? एक मीटर स्केल में सबसे छोटी जो वैल्यू आप काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं मेजरमेंट, वो है 1 mm। तो ये 1 mm इसका क्या है? लीस्ट काउंट है, राइट स्टूडेंट्स? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, अच्छा मीटर रूलर हम किस लिए यूज़ करते हैं, मेजर कर क्या मेजर करते हैं? इसके थ्रू लेंथ मेजर कर सकते हैं। जब लेंथ आपके पास आ सकती है इसके थ्रू, तो आप इसके ज़रिए वॉल्यूम और एरिया, ये सब चीज़ें आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप्स की आप इसकी इसके अंदर से वॉल्यूम और एरिया मेजर कर सकते हैं। हर चीज़ जिसकी आपको लेंथ निकालनी है वो आप मेजर कर सकते हैं मीटर रूल के थ्रू। आपने देखा होगा अगर आपका भी इत्तेफाक हुआ हो आपके पास, आपका मार्केट जाने का और कपड़ा ख़रीदने का, तो वो लोग कपड़े को मेजर करने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं? मीटर रूल यूज़ करते हैं। समटाइम्स हम मेजरिंग के लिए इंचेस टेप भी यूज़ करते हैं, उसमें भी वही स्केल होता है जो मीटर रूलर में होता है। नेक्स्ट हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के थ्रू स्टूडेंट्स हम क्या मेजर कर सकते हैं? वर्नियर कैलिपर के थ्रू हम लेंथ, हाइट, ब्रेथ, डायमीटर, रेडियस, वॉल्यूम और कैपेसिटी जो है वो मेजर कर सकते हैं। देखिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये चीज़ें तो आप मीटर रूल से भी मेजर कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमारे पास, जैसे कि आप सिलेंडर ले लें, सिलेंडर का वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए तो आपको रेडियस भी चाहिए होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, जो भी उसका फॉर्मूला, तो उसमें रेडियस की ज़रूरत होती है। तो आप रेडियस कैसे निकालेंगे? तो इन ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो वर्नियर कैलिपर यूज़ होता है। इसके थ्रू आप स्फेयर का या फिर सिलेंडर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स का आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जब आप इसके ज़रिए डायमीटर निकाल लेंगे तो डायमीटर जब आ जाएगा, हमें पता है डायमीटर रेडियस बराबर होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 के, तो रेडियस भी आ जाएगा। और जब रेडियस निकल के आ जाएगा तो फिर वॉल्यूम भी निकल के आ जाएगा। कैसे ऑब्जेक्ट्स का स्टूडेंट्स? सिलेंड्रिकल या स्फेयर ऑब्जेक्ट्स का। एक और नई चीज़ इसमें हम पढ़ते हैं कैपेसिटी। स्टूडेंट्स कैपेसिटी भी हम निकाल सकते हैं वर्नियर कैलिपर के थ्रू। कैपेसिटी होती क्या है स्टूडेंट्स? द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो बॉडी, किसी भी हॉलो बॉडी का इंटरनल वॉल्यूम। अब हॉलो बॉडी क्या चीज़ होती है? देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह की जो बॉडी होती है ना, ये हॉलो बॉडी है जिसके अंदर डेप्थ मौजूद हो, दिस इज़ कॉल्ड हॉलो बॉडी। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर के पीछे डेप्थ गॉज दी हुई होती है, उस डेप्थ गॉज को आप इसके अंदर डालेंगे और मीटर रीडिंग जो है वो नोट कर लेंगे। सो जिस इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ अ होलो बॉडी निकाल सकते हैं, यानी कि कैपेसिटी निकाल सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो वर्नियर कैलिपर के थ्रू हम कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं। कैपेसिटी इज़ कॉल्ड द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ अ होलो बॉडी। एक और चीज़ स्टूडेंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मैंने आपको बताया कि किसी भी डिवाइस की मिनिमम पॉसिबल रीडिंग को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। और वर्नियर कैलिपर से आपकी मिनिमम रीडिंग क्या आएगी? 0.01 centimeter या फिर 0.1 millimeter, राइट? आपको मैंने बताया कि मीटर रूल की क्या है, 1 millimeter है, राइट? मीटर रूल की का लीस्ट काउंट क्या है? इसका लीस्ट काउंट है 1 millimeter,
और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। राइट स्टूडेंट्स, अब तीसरी डिवाइस आ जाती है हमारे पास, स्क्रू गॉज। स्टूडेंट्स ये कुछ पिक्चर है स्क्रू गॉज की, इसे कुछ लोग स्क्रू गेज भी कहते हैं। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ जस्ट अ प्रोनाउंसिएशन, नेवर माइंड इफ यू कॉल इट स्क्रू गॉज और स्क्रू गेज। राइट, ये पिक्चर है स्क्रू गॉज की, इसके थ्रू भी आप किसी भी स्फेरिकल बॉडी का या सिलेंड्रिकल बॉडी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके भी वही सारे यूजेस हैं जो वर्नियर कैलिपर के यूजेस हैं। स्टूडेंट्स स्क्रू गॉज के भी क्या यूजेस हैं, इसके थ्रू भी आप लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम और रेडियस निकाल सकते हैं, और स्फेरिकल बॉडीज़ का या सिलेंड्रिकल बॉडीज़ का वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि उसका फार्मूला यूज़ होता है और फार्मूला में हमें रेडियस की ज़रूरत होती है। तो फ़र्क क्या हुआ स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर में, देखिए वर्नियर कैलिपर में होती है डेप्थ गॉज, डेप्थ गॉज जो यहाँ पर पीछे बैक साइड पर होती है उसको हम डेप्थ गॉज कहते हैं, जिससे हम इंटरनल बॉडी हॉलो बॉडीज़ का इंटरनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं यानी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में ऐसी कोई डेप्थ गॉज नज़र नहीं आएगी, तो इसमें फ़र्क क्या है, इससे आप कैपेसिटी नहीं निकाल सकते, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज का होता है 0.001 सेंटीमीटर और 0.01 मिलीमीटर। इसका लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर से भी कम है, इसकी मिनिमल पॉसिबल रीडिंग उससे भी छोटी निकाल सकते हैं हम वर्नियर कैलिपर से। यानी हम मीटर रूल से जो है वो 1 मिलीमीटर निकाल रहे थे, वर्नियर कैलिपर से हमने कितनी निकाली 0.01 सेंटीमीटर, और अब स्क्रू गॉज की जो लीस्ट का जो लीस्ट काउंट है इसकी और छोटी पॉसिबल वैल्यू हम रीडिंग निकाल सकते हैं जो कि है 0.001 सेंटीमीटर। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर स्क्रू गॉज भी हम उससे भी हम यही तमाम चीज़ें निकाल रहे हैं, वर्नियर कैलिपर से भी यही यूज़ कर निकाल रहे हैं, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बेहतर है कि जिससे हम अपनी मेजरमेंट्स करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्यूरेसी होती है ना, एक्यूरेसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लीस्ट काउंट के। राइट स्टूडेंट्स, यानी जितना आपका कम लीस्ट काउंट होगा उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। राइट, तो ये बात याद रखिएगा कि जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रू गॉज की सबसे कम लीस्ट काउंट आ रहा है हमारा, तो इसकी सबसे अच्छी एक्यूरेसी होगी। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं क्लॉक के थ्रू, हम मैं आपको इस बात को समझाती हूँ क्योंकि क्लॉक हमारे घरों में हर जगह मौजूद होती है, हर घर में मौजूद होती है, और उसके थ्रू हमें बात भी आसानी से समझ में आ सकती है। एनालॉग क्लॉक होती है जिसके अंदर हमारे पास सुई कांटे होते हैं। राइट, हमारे घरों में वॉल क्लॉक्स लगी हुई होती हैं, एनालॉग क्लॉक कहलाती है। और डिजिटल क्लॉक कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारे पास टाइम जो है वो डिजिट्स के फॉर्म में आ रहा होता है। तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए कि एनालॉग क्लॉक का लीस्ट काउंट है 1 सेकंड, यानी आप उससे कम से कम क्या टाइम मेजर कर सकते हैं, हम उससे कम से कम 1 सेकंड मेजर कर सकते हैं। जबकि डिजिटल क्लॉक में आपका लीस्ट काउंट क्या है, कम से कम साइंस के साथ सेकंड्स के साथ मिली सेकंड्स भी बता रहे होते हैं अक्सर डिजिटल क्लॉक्स में, तो उसका लीस्ट काउंट कितना हो गया, 1 मिली सेकेंड हो गया। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टाइम कौन सी क्लॉक बताएगी, डिजिटल क्लॉक बताएगी, जिसमें हमारे पास मिली सेकेंड के बारे में भी बात हो रही है। तो इससे हमने ये समझा कि जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना कम होता है उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होती है। पेपर में इसके मुतालिक सवाल भी आता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप बेहतर रीडिंग निकाल सकते हैं, तो आप उसमें यही लिखेंगे कि जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट कम होता है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो अगर हम स्क्रू गॉज और माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर में देखें तो स्क्रू गॉज से हम बेहतर रीडिंग निकाल सकते हैं। इसके मुतालिक नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है फिज़िकल बैलेंस। फिज़िकल बैलेंस जो है वो उसकी ये फिज़िकल बैलेंस है, ये हमें लैब्स में नज़र आता है। अच्छा, फिज़िकल बैलेंस की जो यूजुअली हम एग्जांपल देख सकते हैं वो हम तराजू के थ्रू इसको समझ सकते हैं, इससे हम मास की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। फिज़िकल बैलेंस भी दो तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स, एक डिजिटल फिज़िकल बैलेंस भी होता है
ये जो है डिजिटल है और ये अक्सर आपको शॉप्स पर नज़र आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डिवाइस है वो है स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच दो तरह की होती है, एक मैकेनिकल स्टॉपवॉच होती है, डिजिटल स्टॉपवॉच होती है। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल स्टॉपवॉच जो सुई काटे वाली घड़ी होती है वो मैकेनिकल स्टॉपवॉच होती है। अच्छा, स्टॉपवॉच और क्लॉक में फ़र्क ये होता है कि स्टॉपवॉच के थ्रू हम टाइम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि वॉच के थ्रू या फिर क्लॉक के थ्रू हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो अगर हमें टाइम को रिकॉर्ड करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्टॉपवॉच यूज़ करते हैं। दो तरह की होती हैं, जो मैकेनिकल होती है उसका लीस्ट काउंट ज़्यादा होता है, जो डिजिटल होती है स्टॉपवॉच उसका लीस्ट काउंट कम होता है। तो कौन सी आपको डिवाइस ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट देगी? डिजिटल स्टॉपवॉच आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट देगी। एक और मेजरिंग डिवाइस है जिसे हम कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर, और ये डिवाइस हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेजर करने के लिए। इस तरह की ये डिवाइस होती है, ग्लास या प्लास्टिक का यह सिलेंडर होता है, इसमें मेजरमेंट्स लिखी हुई होती हैं। जब हम इसके अंदर लिक्विड पोर करते हैं तो ये जो मेजरमेंट्स लिखी हुई होती हैं यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसे हम हाइट भी मालूम कर सकते हैं, जब हम इसी के साथ स्केल लगा देते हैं तो हमें हाइट भी पता चल जाती है, और वॉल्यूम और हाइट का रिलेशनशिप हम आगे प्रैक्टिकल में इस डिवाइस के थ्रू पढ़ेंगे। इस डिवाइस के थ्रू आप वाटर का भी वॉल्यूम, लिक्विड्स का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं और इररेगुलर बॉडीज़ का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इररेगुलर बॉडीज़ का वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे? आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर है, इस मेजरिंग सिलेंडर में सबसे पहले आपने कुछ पानी डाल दिया, कुछ लिक्विड डाल दिया, फिर जब आप एक इररेगुलर बॉडी को अंदर डालेंगे तो ये जो पानी है इसका वाटर का लेवल जो है वो राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब इसका वाटर का लेवल राइज हो गया तो आपने इस वाले वाटर लेवल में से ओरिजिनल वाटर लेवल को माइनस कर देना है, तो ये जो हमारे पास इररेगुलर बॉडी है इसका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक लास्ट मेजरिंग डिवाइस थी जो कि इस चैप्टर में हमें गिवन थी, मेजरिंग सिलेंडर। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डेंसिटी और कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे, प्रीफिक्सेस हैं, साइंटिफिक नोटेशंस हैं। तो अब आज की क्लास का अख्तिताम होता है, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो हमें याद रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।